कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया भ्रष्टाचार में डूबे हैं। आरंग में उन्होंने सरकारी जमीन हड़प ली है। उनकी पत्नी सरकारी भवन में कब्जा कर कार्यालय चला रही है। यहां भी सरकारी जमीन पर उनकी नजर है, इसलिए उनसे सावधान रहें। ये बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर के कचहरी चौक में आयोजित चुनावी सभा में कही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वे और विधायक धर्म कौशिक भाजपा प्रत्याशी की मायके की ओर से आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है, लोग बड़ी संख्या में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा की सभी सीटों में पीछे रह गए, इस बार ऐसी गलती ना हो, इस बार अभी से कमर कस लें कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में पार्टी को बढ़त मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू बोधन में कहते कि मोर परिवार जन, हम सब परिवार जन से मैं सादर प्रणाम करत हूँ। मंच में विराजमान जत्तर वो अतिथि है, सब जन मैं सादर वंदन अभिनंदन करत हूँ। और मुझे से छोटे से कार्यकर्ता ना छोटे से प्रतीक बनाए, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार एक परिवार, तो मोदी जी मुला छोटे से एक परिवार एक प्रतीक बनाए है। तो आप सब मोर परिवार जन से दिलम निवेदन है कि आप सब ये चुनाव है पूरा कार्यकर्ता के चुनाव है, हम सब के चुनाव है। तो आप मन से विनती है कि आप मन सब के सहयोग से आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाई। तो आप मन से हाथ जोड़ के विनती है कि आप मन सब दूर बूथ में जाके आप मन सब आशीर्वाद बना, पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ना फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मोर नाम कमलेश जांगड़े है, कमलेश के कमल में बटन, कमलेश के कमल में बटन। आप सब जन बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोकसभा के चुनाव ये साधारण चुनाव लो है, ये चुनाव है देश ला बनाए के चुनाव है, ये चुनाव है गांव गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ये चुनाव है ये देश ला विकसित भारत बनाए के चुनाव है, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी ला तिसरैया पैत देश के प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। और ये पाए के ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पहली बार देश में एक गरीब माँ के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमर प्रत्याशी भी आप से आशीर्वाद मांग चुके से, हमर डिप्टी सीएम साहब भी सब बात ला बताई है। मैं तो यही कहे पर आए हूँ, जैसे हमर डिप्टी साहब भी कहिन सीएम साहब भी कहिन कि अभी के ये लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप पर सब सहमत हो कि नहीं? तीसरी बार बनाए पर सहमत हो ना? आ तो दोनों हाथ उठा के एक बार हमारे नेता माला बताओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मानते और सबके सुख दुख पर रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ले से, 10 साल प्रधानमंत्री होकर पहले गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ले से, तो ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार फिर बनाना है ना? जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ये मूल मंत्र मानते हुए पूरे देश के गांव गरीब किसान मजदूर पर काम कर रहे थे, और पूरे दुनिया में आज भारत के डंका बाजत है मोदी जी के कारण, बाजत है कि नहीं? हमारे 140 करोड़ भारतवासी के सम्मान बढ़ाई से पूरा दुनिया में, तो ऐसा प्रधानमंत्री जी हमला तीसरी बार बनाना है। उमन के संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है।
वाला 5 साल में देश का आर्थिक रूप से तीसरा बड़ा ताकत बनाना है, तो ऐसा ये चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी श्री कमलेश डांगरेला पर प्रत्याशी बनाई से, तो आप वाला सब आशीर्वाद देना है। कमलेश डांगरेला 7 मई ला अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में देना तो है। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई मानन आया तो दिलवाना भी है, सबला कमलेश डांगरे अपना समझना है कि नहीं। इतना बड़ा क्षेत्र हो जाते लोकसभा के कि 5 साल रोज घूमे ले भी एक एक गांव में जाना संभव नहीं है। काबर की मैं 20 साल सांसद रहे हूँ, तो 20 साल में भी शायद रायगढ़ के कोनों का मात की सोही। तो इतना बड़ा क्षेत्र होते तो एक महीना में प्रत्याशी हर गांव में जा पाई संभव नहीं है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, सब आप अपना कमलेश डांगरे मानते हुए मतदाता के बीच में जाना है। और हमारे मोदी जी के जो काम है 10 साल के, और अभी हमारे 3 महीना के काम है, और डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के काम है कि नहीं। गांव गरीब किसान मजदूर सब काम ला बताना है, याद दिलाना है, मतदाता ला याद दिलाना पड़ते। तो आज ऐसा कोई घर हुई जो कोई लाभ नहीं मिले हुई, एक घर ऐसा नहीं हुई, वो कांग्रेसी घर भी हुई तोला भी मोदी सरकार के लाभ मिले हुई।